आज़ादी के 69 साल बाद आज जब देश 70वें साल में प्रवेश करने जा रहा है तो बहुत सारे सवाल मन में उठ रहे हैं सभी लोगों के, खासकर युवाओं के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश को लगातार अपने भाषण में युवा शक्ति कहते आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कई समस्याएं भी हैं कि जो युवा हैं उनके लिए रोजगार के क्या बेहतर प्रबंध किए जा सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि जैसे कि इस देश में तेज़ी से हो रही है उसको कैसे रोका जाए, इसके अलावा भी बहुत से आर्थिक मामलों पर इस देश में जिस तरीके से गरीबी रेखा के नीचे अधिकतम लोग रह रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा सवाल भारत को कचोट रहा है और युवाओं के भविष्य को लेकर कचोट रहा है। इसी पर हमसे बात करने के लिए आज 15 अगस्त के शुभ दिन पर मौजूद हैं कुछ युवा साथी जिनसे हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहला सवाल आपसे जी, आज़ादी के आपके लिए क्या मायने हैं, क्या आज आप खुद को वाकई आज़ाद मानते हैं? देखिए, आज़ादी के बारे में मेरा इतना ही कहना है, मैं 84 बॉर्न हूँ और मैंने आज़ादी देखी नहीं, मेरे पूर्वजों ने आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी और बहुत सारी चीज़ें देखी, लाखों लोगों ने उसमें कुर्बानियाँ दी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर के भगत सिंह से लेकर के और बहुत सारे लोगों ने। अब मेरे को इतना ही कहना है कि हमें अंग्रेज़ों से तो आज़ादी मिल गई, लेकिन अंग्रेज़ जो अपना अंग्रेजीकरण भारत का कर गए, हमें उस चीज़ से आज़ादी नहीं मिल पाई है। एक ज़माने में वो बंटवारे की राजनीति करा करते थे, हिंदुओं और मुसलमानों को बांटा करते थे, उस ज़माने से वो चीज़ें शुरू होकर होने के बाद में आज भी वो चीज़ हमारे एक बहुत बड़ा तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग है, एक मीडिया का बहुत बड़ा ग्रुप है जो आज की डेट में भारत को बांटने का काम कर रहा है। आप इस मैं इन सारी चीज़ों को बहुत बारीक की नज़र से अगर जब देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि वही वर्ग अखलाक पर तो बहुत ज़ोर से बोलता है लेकिन प्रशांत पुजारी पर चुप रह जाता है, डॉक्टर नारंग पर वो चुप रह जाता है, वो पाकिस्तान के और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर तो चुप रहता है लेकिन भारत के जो हिस्से में कश्मीर आया हुआ है वहाँ पर जो भी स्थितियाँ हैं उस पर वो बहुत ज़ोर से बोलता है। पिछले 60 सालों के अंदर आज तक उस कश्मीर की जो स्थिति रही है, हमारे जो तथाकथित पिछली राजनीतिक पार्टियाँ रही हैं उन्होंने जिस तरीके से वहाँ पर काम किया, उन्होंने हमारे सैनिकों के हाथ से बंदूकें छीन करके उनके हाथ में गुलेल पकड़ा दी गई और उनसे कहा गया कि इस चीज़ों को कंट्रोल करो, लेकिन वर्तमान में जब नई सरकार आई है वो उसको काबू करने की कोशिश कर रही है और उन्होंने वापस से उन गुलेल को छीन करके वापस से उनके हाथ में पैलेट गन दी हैं, राइफलें दी हैं और स्थिति को कंट्रोल कर रहे हैं, तो आज वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रहे हैं। वही ग्रुप आज जब बात करता है तो एक महिलाओं के ग्रुप को भी बांटने की वो पूरी कोशिश कर रहा है। मैं ये देखता हूँ कि वो जो है एक समाज की बहनों के लिए, बेटियों के लिए उनकी आज़ादी की तो बात करता है, वो इस तरीके से बात करता है कि एक समाज की बहन बेटियाँ जो हैं जैसा मर्जी चाहें वैसा रहें, लेकिन दूसरे समाज की बहन बेटियाँ जो एक सड़क पर चलते फिरते एक पिंजरे में कैद हैं वो उस पर वो बिल्कुल चुप रह जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, वास्तव में असली आज़ादी तो हमें इन सारी चीज़ों से चाहिए जो कि अभी तक हमें नहीं मिल पाई है। आपने असली आज़ादी की बात की। JNU में एक छात्र नेता हैं जो हमारी तरह युवा हैं और वो हमेशा से एक बात कहते आ रहे हैं और पिछले कुछ समय से वो लाइमलाइट में भी रहे हैं, कुछ मुद्दों को लेकर, कुछ विवादित मुद्दे भी थे, लेकिन उनका एक नारा है कि हमें चाहिए आज़ादी, गरीबी से आज़ादी, भुखमरी से आज़ादी, स्वर्णवास से आज़ादी। तो आपको नहीं लगता ये सभी कमियाँ भी हैं इस देश में? देखिए, मुख्य मुद्दा यह है कि व्यक्ति अपने अधिकार और कर्तव्य इनके बीच बैलेंस नहीं बना पा रहा है। जो जिस आज़ादी की वो बात कर रहे हैं वो इसका मतलब है वो अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं और वो अपने अधिकारों की मांग तो कर रहे हैं लेकिन इस देश के प्रति अपने कर्तव्यों का आप निर्वाह नहीं कर पा रहे। अगर वो और अन्य युवा अपने कर्तव्य और अधिकार दोनों का निर्वाह करें तो हमें लगता है कि एक सच्चे रूप में आज़ादी मिले और कहीं कोई डिस्टर्बेंस ना पैदा हो। तो इस तरह के जो लीडर्स हैं उनके लिए यही संदेश है कि वो अपने अधिकार की मांग करने के साथ साथ देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहें और उनका निर्वाह करते रहें। आपने कहा देश के प्रति, समाज के प्रति सजग रहें और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें, तो एक देश के लिए आपके हिसाब से मुख्य चीज़ें क्या हैं और उस देश में आज़ादी का मतलब आपको क्या लगता है? देखिए, मेरे हिसाब से आज़ादी हमें अंग्रेज़ों से तो मिल गई लेकिन हमारा जो यहाँ का सिस्टम है, जो करप्ट सिस्टम है बेसिकली, जब तक हमें उस चीज़ से आज़ादी नहीं मिलेगी, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो पॉलिटिकल रूप में हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन रूप में हो, जब तक वो करप्ट सिस्टम हमारे बीच में रहेगा तो हमारी चीज़ में वो करप्ट सिस्टम कभी जातिवाद के रूप में, कभी सांप्रदायिकता के रूप में हमारे सामने आएगा। तो हमें ज़रूरत है कि हम उस करप्ट सिस्टम को किसी भी तरीके से ख़त्म करें। आपने करप्ट सिस्टम की बात की और
इस तरीके से मुद्दे खासकर युवाओं के साथ बड़ी दिक्कतें होती हैं और सिस्टम लोग आप खुद ही लोग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लाइन में लगना पसंद नहीं करते, रेलवे रिजर्वेशन के लिए वो तुरंत खुद ब्रोकर से बात करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं जीवन में आपने भी शायद ये चीज़ें की हों, तो इनको दूर करने के लिए बेहतर सुझाव क्या हो सकता है? इनके दूर करने के सबसे अधिक यही सुझाव यह है कि अपना अपना करें सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। हमें हर प्रकार की स्टार्टिंग अपने आप से करनी होगी। अगर मैं खुद ठीक होऊंगा तो मेरा परिवार ठीक होगा, मेरा समाज ठीक होगा, और मेरा समाज ठीक होगा तो मेरा राष्ट्र और इस देश संसार पूरा ठीक होगा। तो मुझे शुरुआत अपने आप से करनी होगी, उसके बाद मुझे दूसरी तरफ देखना होगा। आपने कहा शुरुआत अपने आप से करनी होगी। एक बड़ा मुद्दा खासकर मेरे लिए, आपके लिए, इस देश में जो करोड़ों नौजवान हैं उनके लिए, रोजगार। रोजगार में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट दिया, स्किल इंडिया का कॉन्सेप्ट दिया, उसको लेकर आप खुद को कितना लाभान्वित महसूस कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि इस तरीके से जो टर्मिनोलॉजी आ रही है वाकई धरातल पे आ रही है या केवल एक इवेंट बनकर रह जा रहा है? देखिए, आजकल की राजनीति का प्रवेश पूर्ण तरह से चेंज हो चुका है। अगर हम पहले देखें तो अंग्रेजों का जो शासन था उस शासन में उनका प्रशासन बहुत स्ट्रांग था कि वो जो भी डिसीजन लेते थे तो वो उसको धरातल पे लाते थे। लेकिन अभी कोई भी चीज़ है वो हवा में हो रही है, कुछ भी वो शायद धरातल पे कहीं ना कहीं जो मूर्त रूप होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी है। शायद हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा देश आज़ाद तो हुआ, अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार का गुलाम हुआ। यहाँ आज़ादी का मतलब ये है कि आपको पूर्ण स्वराज हो, जहां आपको अभी अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का संपूर्ण अधिकार हो और आपको अपने देश की प्रगति के लिए संपूर्ण योगदान दे सकें। लेकिन आज जो परिवेश है उस परिवेश में हम चाहते हुए भी अपनी संपूर्ण सहभागिता किसी न किसी वजह से शायद नहीं दे पाते हैं। आपने बिल्कुल सही बात की, जो आज जो परिवेश जिस तरीके से बन गया है, खासकर युवा अपनी सहभागिता नहीं दे पा रहा। सबसे बड़ी बात है ब्रेड एंड बटर, जिसके लिए युवा को दिन रात भागना पड़ता है। आपसे एक सवाल, जिस तरीके से ये भारत रहा है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और अब डिजिटल इंडिया, कई नए एंटरप्रेनर्स आए, पेटीएम, ओला, और भारत में कई तरीके की नई डिजिटल मार्केटिंग शुरू हुई है, एक युवा के तौर पर आपको लगता है कि ये भारत को एक सही दिशा और दशा दे रहे? क्योंकि इसके साथ साथ कई नेगेटिव चीज़ें आई हैं, खासकर सोशल मीडिया की बात करें तो अभी मुजफ्फरनगर में जो दंगे आए थे उसका जो सामने रिजल्ट निकल के आया था तो उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं सोशल मीडिया था, और इसी सोशल मीडिया की बात करें तो इसने कई नए एंटरप्रेनर्स को जन्म भी दे दिया है। देखिए, मैं इसमें जो आपने अभी बोला कि युवाओं के लिए और ओला या जिस तरीके की डिजिटल इंडिया जैसी सर्विसेज आ रही हैं वो सारी की सारी भविष्य के लिए सबसे अच्छी है। फास्ट लाइफ हो चुकी है और फास्ट लाइफ के अंदर इन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थोड़ी देर पहले आपने सवाल किया था कि आज़ादी से रिलेटेड और युवाओं के लिए, तो युवाओं की आज़ादी अगर ख़त्म होती है तो युवाओं की आज़ादी में ख़त्म करने के लिए सबसे पहला हाथ हमारे तरीके के संविधानों के अंदर ही लिखा हुआ है, जिसमें आरक्षण जैसी चीज़ें हैं। अगर शुरू से ही हम लोगों को बांधा गया है कि हम आरक्षण में बंधे हुए हैं, जनरल जाति का आदमी है या जो भी है, शिक्षा से रिलेटेड कुछ भी नहीं है यहाँ पर, यहाँ सिर्फ और सिर्फ आरक्षण से रिलेटेड है, जातिवाद से रिलेटेड और आरक्षण से रिलेटेड। सबसे पहले हम लोगों को आरक्षण जैसे मुद्दों को खत्म करके उसकी शिक्षा के बेस पे ही आगे बढ़ने की अनुमति देनी चाहिए, ना कि उसके ऊपर। दूसरी चीज़, भ्रष्टीकरण। जितना ज़्यादा भ्रष्टीकरण है आज की डेट में, जितने भी राजनेता हैं 100 में 90 सारे के सारे राजनेता भ्रष्ट हैं। अगर राजनेता भ्रष्ट नहीं तो उसके नीचे के लोग भ्रष्ट हैं। जब तक भ्रष्टता खत्म नहीं होगी युवाओं का भविष्य वैसा ही रहेगा। अभी इसीलिए सारे युवा जितने भी हैं हमारे देश के वो विदेश जाने की तैयारी में रहते हैं कि वो वहाँ जाके उनके कल्चर को अपनाते हैं और वहीं रहना पसंद करते हैं भ्रष्टाचार की वजह से। एक सवाल आपकी बातों से साफ तौर पर निकल के आता है, भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार की एक लड़ाई हुई थी 1975 में, जेपी मूवमेंट जिसे कहा जाता है, और जिसके बाद इमरजेंसी लगाई गई थी। उसमें इस देश ने कई सारे युवा नेता देखे जो कि आज संसद में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन 21वीं शताब्दी की बात की जाए तो इस देश में युवाओं नेताओं का एक तरह से आप कह लीजिए अकाल। 50 साल 45 साल के लोगों को अब युवा कहा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या है। तो युवा नेतृत्व की जो इस देश में कमी हो रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे और किस तरीके से बेहतर युवा नेतृत्व इस देश में वापस आ सकता है? देखिए, युवा नेतृत्व से ये मतलब नहीं होना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति की उम्र 40 साल है या 45 साल है या 50 साल है तो वो युवा कहा जाएगा। एक्चुअली महत्वपूर्ण ये होता है कि
चाहे वो बेशक व्यक्ति 70 साल का हो या 75 साल का हो, लेकिन अगर उसकी सोच नहीं है तो मैं ये मानता हूँ कि वो व्यक्ति युवा है। जैसे कि अभी वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो आज की डेट में अगर भ्रष्टाचार की भी अगर वो बात करें तो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए वो ट्रांसपेरेंसी की अगर बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ट्रांसपेरेंसी के केस में अगर आप देखें तो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर भी, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार है उसमें एक बहुत अच्छा काम हुआ है, एक रिसेंट में टीचर्स की भर्ती हुई थी वहाँ पर, और एवरीथिंग इन दैट यू नो ओपनिंग एवरीथिंग वाज डिजिटलाइज्ड। और मेरे ही नज़दीक में एक मेरी मित्र हैं, उनकी जॉब लगी थी उसके अंदर, और मैंने देखा था कि जिस समय वो अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए गए थे तो उनको पता था कि 6ठे पेज पर 62वां नंबर उनका है, ठीक है ना। तो भ्रष्टाचार मिटाने का सबसे बहुत बढ़िया तरीका यह है कि ट्रांसपेरेंसी ले आएँ। किसी भी अधिकारी के सिग्नेचर को करने की ताकत अगर हम छीन लें, यानी कि सबको पता हो कि उसको ये पता है कि अगर मैं सिग्नेचर करूंगा तो मुझे सिग्नेचर तो करना ही है, लेकिन सिग्नेचर के बदले में मुझे कुछ पैसा मिलेगा, उस चीज़ को अगर छीन लें तो भ्रष्टाचार आसानी से निपट सकता है। एक ये चीज़ है। तो मैं वही कह रहा था कि हमारी सोच बदलनी होगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई हमारा मंत्री कोई नेता 50 साल का है, 55 साल का है, 60 साल का है, उसकी सोच उसका विचार वो नया होना चाहिए, वो मेरे लिए युवा नेतृत्व माना जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि संसद में युवाओं के लिए भी आरक्षण होना चाहिए, विधानसभाओं में युवाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए, या नगर निगम में भी युवाओं को मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन आरक्षण से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, उसकी योग्यता के आधार पर होना चाहिए। आरक्षण वाला शब्द हमें इस देश में लाना ही नहीं चाहिए कि युवाओं के लिए इतनी सीटें, महिलाओं के लिए इतनी सीटें, दलितों के लिए इतनी सीटें, उस जाति के लिए इतनी सीटें। आरक्षण वाला सीन कुछ भी नहीं, सारा का सारा योग्यता के आधार पर होना चाहिए। हमने बचपन में सिर्फ अपनी किताबों में क्या पढ़ा था कि MLA और MP और इनके लिए जो वो होता है कि वो भारत का नागरिक हो, कि 10वीं पास हो, कि वो उसकी उम्र इतनी हो, ये सारी चीज़ें वहाँ से ख़त्म होनी चाहिए। आज की डेट में जेल में बैठे वाले आदमी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार शुरू से ही नहीं होना चाहिए, जबकि हमारे देश में जेल में बैठा नेता भी इलेक्शन लड़ रहा होता है। आपसे एक सवाल, जैसे इन्होंने कहा कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन आरक्षण नहीं है तो प्रतिनिधित्व नहीं है। आज भी संसद में बहुत कम युवा सांसद हैं, विधानसभाओं में तो संख्या ना के बराबर है, और नगर पालिकाओं में भी बात कह ले तो ना के बराबर है। कुछ ही शहर हैं जहां पर नगर पालिका में अधिकतम युवा भाग लेते हैं और शहर के विकास और निर्माण में। तो किस तरीके से युवा सोच इस देश को परिवर्तित कर पाएगी? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हमारे देश में सरकारी नौकरियों के लिए एक योग्यता है, उसके लिए एक शिक्षा प्रणाली है, उसके लिए एक एग्ज़ाम है, उसी प्रकार क्या ये राजनीतिक लोगों के लिए एक समय सीमा या उनकी आयु सीमा या उनकी योग्यता कोई बाध्यता क्यों नहीं है? ये मेरा भी आपसे एक सवाल है, या इस समाज से सवाल है, कि वो बाध्यता सिर्फ सरकारी लोगों के लिए या प्राइवेट जॉब करने वालों के लिए क्यों है, ये इन नेताओं के लिए क्यों नहीं है? आज जहाँ तक सवाल युवाओं का है, मेरे ख्याल से राजनीति दल, राजनीतिक जितने भी दल हैं, उनकी योग्यता या उनका जो राजनीति में प्रवेश है वो 60 साल के बाद होता है, और वही सरकार, वही संविधान दूसरी तरफ ये कहता है कि भाई 60 साल के बाद आदमी कार्य करने योग्य नहीं रह जाता है, इसलिए उसको रिटायर कर दिया जाता है। जब 60 साल के बाद इंसान को रिटायर कर दिया जाता है तो वो 60 साल के बाद वो नेता काम करने लायक या उस देश को चलाने लायक या उस संविधान को चलाने लायक कैसे रह जाता है? तो उस देश में, इस देश में योग्यता या युवाओं की एंट्री किस बेस पे हो, क्या उनके लिए कोई योग्यता है? सिर्फ एक ही तरीका है, वो है पैसा। जिसके पास पैसा है वो राजनीति में आएगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो राजनीति में नहीं आएगा, और उसकी योग्यता 60 साल से ऊपर है। तो एक बहुत ही बड़ा सवाल छोड़ते हुए जा रहे हैं हम लोग यहाँ पर, कि क्या नेतृत्व के लिए पैसे की ज़रूरत है, और नेतृत्व की उम्र सीमा क्या होनी चाहिए? भविष्य का भारत बनाना है तो इस भारत के भविष्य को कब नेतृत्व करने का मौका मिलेगा और किस हाल में मिलेगा? किस तरीके से देश को बेहतर बनाया जा सकता है? हालांकि डिजिटल इंडिया की तारीफ यहां पर युवाओं से सुनने को मिली, लेकिन उसके साथ कई सवाल खड़े हुए, खासकर भ्रष्टाचार को लेकर। कैमरामैन जॉन के साथ निशांत राय, मेट्रो TV, गाज़ियाबाद।